हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार अपना लोग हकल के मोर मोर यूट्यूब चैनल में स्वागत हम जनाइस सो एज बाय द टाइटल यू कैन सी दिस वीडियो इज गोना बी ऑन रूम टूर एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द रूम सो एज यू कैन सी दिस इज आवर डोर और यहाँ पे एकदम ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है फिर पॉजिटिव वाइब्स ओनली और फिर ये सब प्लीज इग्नोर ये सब मैंने आते ही लगा दिया था और अभी चलिए एंटर करते हैं और अभी एंटर करते ही हमें मिल जाता है यहाँ पे ऐसे मास्क रखने के लिए ये मैंने खुद लाया है तो इधर से लटका दिया ताकि मास्क रख सकूँ और एप्रन भी रखती हूँ कभी कभी और फिर नीचे यहाँ पे एक डस्टबिन है फिर मेरी रूममेट बकबक कर रही है प्लीज़ इग्नोर फिर ये है कपड़े रखने के लिए और उसके बाद ये है चेयर मेरी रूममेट का और उसका बैग उसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ड्री बैग है और यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हैं एक योगा मैट है ये मेरा है कभी कभी कर लेती हूँ और फिर हमें मिलता है मेरी रूममेट का टेबल यहाँ पे और यहाँ पे एक खिड़की है ये इसका आईना है और फिर यहाँ उसके टेबल पे ये सब बुक्स है फिर इलेक्ट्रिक केटल है और ये सब इसके सामान जो भी है ये सब रखा हुआ है और फिर वहाँ पे एक प्लग है ये मेरी रूम में यूज़ करती है और फिर हमें मिलता है ये मेरा बेड उसके बाद फिर यहाँ पे बेड पे एक मिनट मैं दिखाती हूँ यहाँ पे सारे क्रेनियल नर्व्स लिखे हुए हैं क्योंकि मैं बहुत भूल जाती थी तो इसीलिए मैंने लगा के रखे फिर ये बेड है उसके बाद इधर एक छोटा सा ये टूल है तो इसमें मैं फ़ोन रखती हूँ और रात को पानी का बोतल ये सब बिस्तर के साइड में ही रखती हूँ सोते वक्त और फिर आते हैं मेरी टेबल की तरफ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक मिनट मैं ये दिखाती हूँ ये वॉल पे ऐसे मतलब हार्ट लगाया हुआ है मतलब बनाया हुआ है लाइट से ये मेरी दोस्त ने बना के दिया था और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रीम होम हैप्पीनेस ये सब मैंने लिख कर रखा था ऐसे ही फिर आते हैं ये चार्ट ये एनाटॉमी का है और ये कॉलेज का फोटो ये किसी सीनियर ने लगाया था बहुत पहले ही मुझे नहीं पता मतलब सीनियर थे उन्होंने लगाया था फिर यहाँ पे ऐसे कुछ कोट्स वोट्स लिख के रखे हैं यहाँ पे किडनी का डायग्राम बना के रखा है और ऐसे नीचे है एक बेड टेबल ये कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे एक प्लग पॉइंट है जहाँ से कनेक्टेड है ये इलेक्ट्रिक केटल मुझे टेबल में ही चाहिए क्योंकि बहुत गर्म पानी चाहिए रहता होता है और चाय ये सब कॉफ़ी बनाना पड़ता है तो इसीलिए और फिर ये है मेरी सारी वो प्रैक्टिकल कॉपीज़ उसके बाद ये पेन स्टैंड ये ऐसे मैंने चिपका दिया है वो क्या बोलते हैं वो कप नूडल्स की मतलब जो कंटेनर होता है उसमें और फिर ये सब डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन ये सब फिर ये एक यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल रोज़ रोज़ चाहिए होता है ना सामान वो सब कुछ क्रीम मॉइस्चराइजर ये सब रखा हुआ है फिर यहाँ पे ऐसे कंघी ये सब रखे हुए हैं फिर ऐसे चाकू ये सब और ये है थर्मोफ्लक्स ये चाहिए होता है मतलब और एक सेकेंड ये खिड़की है ना मैं दिखाती हूँ यहाँ से ऐसा कुछ दिखता नहीं है थोड़ा बहुत ऐसे मतलब सुबह सुबह ऐसे क्योंकि पास में ही दूसरा बिल्डिंग है तो इसीलिए ऐसा कुछ मतलब ऐसे अच्छे वाले सीनरी नहीं दिखते सिर्फ एक वाइट वॉल दिखता है बस और फिर ये है सारे बुक्स जो हमें पढ़ने होते हैं ये सारी बुक्स हाँ और यहाँ पे मेरा चेयर है और उसके साथ मेरा बैग है और फिर यहाँ पे एक टेबल फ़ैन है ये मैंने किसी सीनियर से लिया था और मतलब मैंने लिया और उसके बाद ही वो विंटर स्टार्ट हो गया तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई तो उसके बाद एक शेल्फ है यहाँ पे हम अपने सारे सामान रखते हैं जितने भी हैं और फिर यहाँ पे ट्रंक है ये सब और ये मेरी रूममेट का साइड है और ये मेरा साइड है फिर यहाँ पे बहुत सारे सामान है और इसे नीचे वो राइस कुकर ये सब है इलेक्ट्रिक फिर ये मेरी रूममेट का लॉन्ड्री बैग और उसका सामान ये सब चिप्स के पैकेट वो रखती है तो यही सब है और अभी वो सो रही है तो उसको दिखाऊंगी तो वो चिल्लाएगी लेकिन फिर भी मैं थोड़ा दिखाई देती हूँ ऐसे छोड़ रही सो के किसी से बात कर रही है और यहाँ पे एक बोर्ड है और एक पंखा है जिसका रेगुलेटर नहीं है तो और यहाँ पे लाइट है और
इतना ही है, और कुछ दिखाने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं खास, तो बस यही। सो रूम टूर के नाम पे बस इतना ही, क्योंकि बहुत छोटा सा रूम है उसमें मतलब क्या ही दिखा हो, और सारे मतलब हमारे सामान से भरे हुए हैं, मतलब जगह ही नहीं है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है कि हमें ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, मंगवा रहे हैं घर से एक के बाद एक, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। कभी कभी ऐसा मतलब फ़ोन करके मम्मा ये कहाँ रखूँ, ऐसा हाल हो जाता है। लेकिन रिसेंटली मतलब यहाँ पे ये मतलब वो फैकल्टी क्वार्टर में रहते हैं ना, तो फिर यहाँ मतलब ऐसा मतलब ब्लॉक होते हैं, तो ठीक है इस ब्लॉक में हम 6 लोग रहते थे, लेकिन अभी 2 लोग जो है वो मेन हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा जगह मतलब निकल गया है, वो पानी का फिल्टर ये सब रखने के लिए मतलब जगह मिल गया है अभी, तो इसीलिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ है। और इतना साफ तो नहीं रहता कभी भी रूम, आज स्पेशली ये वीडियो बनाना है इसलिए थोड़ा सा आके ही क्लास से आके ही मैंने साफ कर लिया। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे रूम होते हैं हॉस्टल्स में, तो बस यही। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करिए, और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ और वीडियोस देखने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या देखना है, और मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है जनवरी से, शायद जनवरी के लास्ट को होगा एग्ज़ाम, तो प्री फाइनल्स भी है, इसीलिए ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। मतलब सोच रही हूँ ये करना है वो करना है, लेकिन उस हिसाब से हो नहीं रहा, तो जितना हो सका मैंने उतना किया। तो बस आप लोग ऐसे हमें हमेशा जैसे सपोर्ट कर रहे हैं तब स्टार्टिंग से, वैसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और नई नई वीडियोज़ लेके आ सकूँ। और बाकी आप लोग, बाकी इतना ही, बाकी यू जस्ट स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।